की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। पूर्वी दिल्ली जिला दिल्ली पुलिस ने करावल नगर में लूटपाट के बाद हुई महिला की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग बट्टा पत्थर को सील कर दिया है। वारदात में लूटा गया सामान एक जोड़ी सोने के कुंडल और एक जोड़ी चांदी की पैरों की पायल को भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल बीती 20 अगस्त की रात पुलिस को सूचना मिली कि करावल नगर के शिव विहार फेस 5 की गली में महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर करावल नगर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो पता चला कि 62 साल की महिला मृत पड़ी है, जिसके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर हत्या की गई थी और महिला के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन में दो आरोपियों नीतीश 19 साल और मोहम्मद फारूक 21 साल को गिरफ्तार कर लिया है। 8/17 को रात को 9:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लेडी की झगड़े में मौत हो गई है, ऐसा ही कॉल आई थी। हमारे करावल नगर मौके पर गए, वहाँ देखा कि लेडी की डेड बॉडी गरीब रखी हुई थी। तो जब उनसे दरियाफ्त की तो पता लगा कि ये 62 साल की लेडी विमला देवी है और ये यहाँ रहती थी अपना शिव विहार में। अराउंड 7:30 बजे इसका एक गोद लिया हुआ बेटा है, वो अपनी सिस्टर के पास खेलने गया था। तो 7:30 वापस आया तो उसने नॉक किया था, अंदर से बंद था। वो 10 मिनट बाद वापस चला गया, 10 मिनट दोबारा, फिर अंदर से बंद था। जब दोबारा नॉक किया तो एक लड़का ने कुंडी खोली अंदर से और बाहर चला गया। उसने तो कहाँ जा रहा है, पूछा मैं पानी लेने जा रहा हूँ। उसने माँ कहाँ है, माँ ऊपर रोटी बना रही है, उसने बोला। लड़के ने ऊपर जाकर देखा तो उसकी माँ फर्श पर लेटी हुई थी, सर पर चोट थी, खून निकल रहा था। वो भाग के अपनी सिस्टर को बुला के लाया, जीजा जी को बुला के लाया और अपने फादर को भी फ़ोन करके बुलाया। इनको GTP हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे इसकी डेथ हो गई। भले ही दिल्ली पुलिस इस मामले को 24 घंटे के भीतर अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूटपाट के बाद हत्या की इस घिनौनी वारदात से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा अभी भी राम भरोसे है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।